मेरे पुत्र का आज मूड ऑफ है और मैं इसका लंच डाल लूँ जल्दी जल्दी से। तो बस लंच डालने के बाद ज़िया और अब्दुल्ला आज का लंच नहीं लेके जा रहे क्योंकि उनके पेपर हैं, जल्दी वापस आ जाते हैं। तकरीबन 11:30-12 तक वापसी हो जाती है मेरे बच्चों की, मेरे शहजादों की, और साथ फातिमा भी आ जाती है। लेकिन फातिमा को लंच देती हूँ क्योंकि वो क्लास लेती है और ये लोग पेपर देते हैं। ज़ैनब फातिमा दोनों लंच लेके जाती हैं। ज़ैनब मेरी बच्ची आती है जी 3 बजे और ये मेरा बच्चा नाराज़ होकर जा रहा है। अभी इसको मनाना पड़ेगा। और ज़िया अल्लाह के लिए आपने ढेरों ढेर सारी दुआएँ करनी है। मेरे बच्चे आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पेपरों की तैयारियां जारी सारी हैं। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब आज मेरा फैमिली, पेपर है। कैसे हैं आप सब? तो ज़्याला पेपर के लिए रेडी है और इसके लिए सबने दुआ करनी दुआ करनी है। इसका पेपर अच्छा हो। देखो अभी मुर्गियां भी हमारी नज़र आ रही हैं। और एक पेपर इसका हो चुका है जो कि बहुत अच्छा हुआ अच्छा है, है। और बाकी पेपर भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। बाकी बच्चों के लिए भी मेरे के लिए दुआ करना। ज़ैनब के पेपर नहीं है और फातिमा के भी नहीं है क्योंकि फातिमा की असेसमेंट्स हो रही हैं उसकी। बस फातिमा की 2 असेसमेंट्स या 1 असेसमेंट रह गई है। फातिमा की असेसमेंट भी अच्छी हुई हैं, इनका रिज़ल्ट फिर 1 हफ़्ते बाद आ जाएगा मेरे ख्याल से। ट्यूज़डे को इनके पेपर ख़त्म हो रहे हैं, इस ट्यूज़डे को। तो इन दिनों फिर मैं वही कहूँगी, बिज़ी हूँ बच्चों को स्टडी करवाने में, पेपर याद करवाने में, और ट्यूशन जो आते हैं बच्चे उनको पढ़ाने में। तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लॉग में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। वो देखिए कुर्सियाँ कल की पड़ी हुई हैं, रात को हमने उठाई नहीं है, तो बस इसी के साथ लगी हुई होती हूँ। और क्या कहूँ, और बस ये स्कूल जाए तो फिर देखते हैं आगे क्या करते चलते हैं। सोए सोई हुई है फिलहाल। बाय बाय कर दो। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ फातिमा, अल्लाह हाफिज़। देखना आगे पानी में ही गिरना। अभी जल्दी जल्दी से कर लूँ नाश्ता, और नाश्ते में पराठा मस्ट होता है, मस्ट बी पराठा अच्छा। तो इस वजह से पिंपल्स मुझे पिकअबू करती ही रहती है। तो बस आजकल कुछ ऐसे ही दिन जा रहे हैं, और बाकी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिल उदास है। तो आप सब ने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, पाकिस्तान के अमन के लिए, उसकी तरक्की के लिए, और जो हालात चल रहे हैं वो हालात जल्द ख़त्म हो जाए। ये जो इंतशार बना हुआ है ये जल्दी ख़त्म हो जाए। आप लोगों ने दुआ करनी है, और इमरान खान के लिए भी दुआ करनी है मेरी सारी बहनों ने। तो बाकी ये है कि ये कपड़े जो मैं आपको ऑरेंज बता रही थी वो स्टिच हो चुकी हैं, और मैंने पहने भी थे लास्ट टाइम जब आउटिंग पे गए थे मैं और फातिमा ज़ोया बच्चे गए थे साथ। तो वो मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, जाके कपड़े भी बताती हूँ कैसे मैंने स्टिच किए थे, और पहन के भी जो है इधर एक आगे मैं पिक्चर लगा दूँगी, वो पिक्चर में देख लेने हैं पहने हुए। क्योंकि अभी तो ज़ैनब नहीं है, इन दिनों मेरा कैमरामैन नहीं है, उस वजह से थोड़ी सी रूटीन ख़राब हुई हुई है। क्योंकि ज़ैनब के अभी पेपर फिर नज़दीक है, सुना है इस दफ़ा मार्च में पेपर हो रहे हैं 9th-10th के 9th का रिज़ल्ट। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा आया था। और ज़ियाउल्लाह लोग के पेपर चल रहे हैं जो कि ये हफ़्ता पूरा उनके पेपर ही हैं ज़ियाउल्लाह अब्दुल्ला के। तो फिर बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, ज़ाहिर है बच्चों की जो स्टडी है या उनका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा अहम है मेरे व्लॉग से। तो बस थोड़ा बहुत जो शेयर हो सकता है मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, और बाकी चलें कपड़े बताती हूँ आपको। तो इस तरह से चकोर इसका मैंने गला बनाया है, और बाजू हल्की सी चुन्नट डाल के आगे छोटा सा कफ सा बना के, और आगे लूप्स वाली लेस लगाई है। इसके अलावा चाकू पे मैंने इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के लूज लूज सा बनाया, और 5-6 दफ़ा इस तरह लेस लगा दी है। उसके अलावा दामन इसका मैंने गोल बनाया है, और साथ पटियाला शलवार जो आपको पहले बताई थी, और इसमें मैंने पिक्चर भी क्लिक करवाई थी क्योंकि वो निकलवानी है, ज़ैनब की पार्टी की भी है, तो साथ अपनी भी क्लिक करवाई थी, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे लगाती हूँ। तो वहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे लग रहे हैं मेरे साथ। मुझे तो ख़ुद को बहुत अच्छा, आपको पता नहीं है। ये देखिए देखना, सोया किधर से उंगली निकाली हुई है, ये देखो। I see you. Peek-a-boo. तो बस सभी बच्चे चले गए हैं, और फातिमा लोग खेल रहे थे, अभी अंदर गए हैं कुछ काम करने। जो है मेरी आ गई है, इसके साथ ही कोई चीज़ कोई बात अच्छी लगा करे तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बाकी यहाँ पे मैं एक एडवाइस, मेरे दिल करते मैं रोज़ आप लोगों से ना एक बार शेयर किया करूँ, और आज की एक बार ये है कि लोग जितने भी होते हैं ना आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं
उनको नेगेटिविटी फैलाने दे, आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स होंगी ना उनके साथ वो भी थोड़े थोड़े से पॉजिटिव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनकी बातों को इतना दिल पे ना लिया करें, खुद जैसे खुश होते हैं ना आप वैसे ज़िंदगी गुजारें। जो आपके बहुत अपने हैं उनका साथ दें, उनका ख्याल रखें, उनको खुश रखें, बाकियों की खैर है। और बाकी मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, सेहतमंद रखे। इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से क्यूट से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।